our star par, what will be the perfect combination for India against Pakistan on 2nd September in the absence of KL Rahul? हम एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या होगा सोल्यूशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा भारतीय टीम का। देखिए, टीम के जो हित में अगर बात की जाए और जिस तरीके से ईशान किशन ने फॉर्म दिखाया है, तो ईशान किशन ही एक रिप्लेसमेंट आएंगे। लेकिन अगर ईशान किशन आते हैं तो फिर हमें ओपनिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि वर्ल्ड कप के हम इतना नज़दीक हैं, तो हम जो अपनी टीम्स के साथ जाना चाहते हैं तो वही कॉम्बिनेशन रखें। और संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, भला कि वो हार्श होगा ईशान किशन के लिए क्योंकि वो पिछले वनडेज में अच्छा करके आए हैं, लेकिन अगर यहाँ बात मिडिल ऑर्डर में खेलने की है तो मेरे को लगता है संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। संजय भाई, मेरे लिए ईशान किशन, देखिए मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बल्लेबाजी की है, 30 की औसत है, स्ट्राइक रेट 88 का है, मगर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पोजीशन ईशान किशन के लिए टॉप ऑफ द ऑर्डर है, वहाँ पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो अगर चॉइस है तो ईशान किशन और शुभमन गिल के बीच में चॉइस होती है, क्योंकि नंबर 5 के ऊपर आपके पास सूर्य कुमार यादव का विकल्प है, 6 पे हार्दिक पांड्या और 7 पे जडेजा, तो एक बहुत बेहतरीन फिनिशर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है।